कर्मचारियों के सभी मसलों का तुरंत निपटारा करे कैबिनेट सब कमेटी, ये कहा है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे सरकारी कर्मचारियों के मसलों का निपटारा करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी को निर्देश दिए हैं। इस कैबिनेट सब कमेटी में स्थानीय निकाय मंत्री, वित्त मंत्री मनप्रीत बादल व अन्य कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। सूत्रों ने बताया है कि कैबिनेट सब कमेटी द्वारा संघर्ष कर्मचारियों के साथ कई बैठकें की जा चुकी हैं तथा सब कमेटी में शामिल वरिष्ठ मंत्रियों का मानना है कि इस मामले में जल्द ही अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। सूत्रों ने यह भी बताया कि वेतन आयोग की रिपोर्ट को पंजाब सरकार लागू करने जा रही है, ऐसी स्थिति में कर्मचारियों का एक बड़ा मसला हल हो जाएगा। कर्मचारियों की दूसरी महत्वपूर्ण मांग अस्थाई कर्मचारियों को पक्का करने से जुड़ी हुई है। इस मांग को भी सरकार द्वारा पूरा किया जा सकता है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि अगली कैबिनेट बैठक से पहले सब कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर ले तथा उसके बाद रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाए। कैप्टन राज्य में अस्थाई सफाई कर्मचारियों को पक्का करने जा रहे हैं, इस संबंध में उन्होंने पहले ही 15 अगस्त के दिवस पर घोषणा कर दी है। स्थानीय निकाय विभाग को इस संबंध में मुख्यमंत्री की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बताया गया है कि कर्मचारी के मसले विधानसभा चुनाव से पूर्व हल करना सरकार की प्राथमिकता है और इसे पंजाब के कर्मचारियों के लिए एक बड़े तोहफे के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पंजाब के कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं तथा पिछली बैठक में 15% बढ़ोतरी को कर्मचारियों ने सिरे से नकार दिया है।